आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनको आपने छोटे पर्दे पर भी देखा होगा और 70 mm पर भी देखा होगा। छोटे पर्दे पर इन्होंने कई ऐसे रोल किए जिनका लोहा हम आज भी मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोहा सिंह जी की, यानी कि सुदेश बेरी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुदेश जी, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, शुरुआत में बोला था कि आपने फिल्मों में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है, कैसा रहा, मतलब आपको कैसा लगा इन दोनों में करके, और कैसा डिफरेंस आपको फील हुआ इन दोनों में? आप प्यार करते हैं सबको, जी अपनी माँ से भी प्यार करते हैं, अपनी बहन से भी प्यार करते हैं, अपने पड़ोसियों से भी प्यार करते हैं, अपनी माशूका से भी प्यार करते हैं, अपने कुत्ते से भी प्यार करते हैं। जी। तो वर्ड क्या यूज करते हैं हम, प्यार। जी। तो ऐसा ही लगा मुझे टीवी पे एक्टिंग करके, थिएटर में एक्टिंग करके और स्क्रीन के ऊपर एक्टिंग करके। कुछ तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्योंकि डिफरेंस सिर्फ ये है, माय स्क्रीन चेंज हो जाती है। आप नहीं, वो कैमरा कोई भी हो, जी आप सैंड पे दौड़ते हो जी और वो कहते हैं ना, लॉन टेनिस जब खेलते हैं तो क्ले कोर्ट पे खेलते हैं, जी तो ग्रास कोर्ट पे ग्रास खेलते कोर्ट पे हैं। खेलते हैं, तो सैंड पे दौड़ना, लैंड पे दौड़ना, ग्रास कोर्ट पे दौड़ना जी दौड़ना है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि सैंड पे दौड़ने से थोड़ा सा स्टैमिना ज्यादा लगता है, जी वो टेलीविजन में लगता है, अच्छा। बट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं, वो टेलीविजन में आप 5 सीन करते हैं, 10 सीन करते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आप एक सीन करते हो एक दिन के अंदर। वो क्योंकि वो एक सीन, वो फिल्म जो है एक बार छप गई तो छप गई। फिल्म का जो है, टीवी का जो है, जी वो मीडियम ये है कि आपको एक टारगेट है कि आपको ये 5 सीन जो है आज करने हैं। सो बजट के हिसाब से उसके दायरे में रह के, वो जैसे हैमर थ्रो नहीं करते हम, वो हैमर थ्रो करते हैं, तो बजट में रह के आपको वो सारे का सारा कोटा उस दिन का पूरा करना है। वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है हाँ, वो कोटा पूरा टीवी। करना है, तो वो एक्टर को इतना स्ट्रांग होना है कि उसको स्टैमिना ज्यादा चाहिए वो सैंड पे दौड़ने के लिए, और उसको स्टैमिना जो है अलग चाहिए लैंड पे दौड़ने के लिए। बट दौड़ना दोनों में ही है, फर्क ही है टेलीविजन में और सिनेमा में। और थिएटर तो खैर वो तो मीडिया है सबके सामने ही, और जस्ट विद द ओपन टू ऑल, ऑडियंस, विद द ऑडियंस आई टू आई, आई टू आई। आंखों में आंखें डाल के आप बात कर जी रहे हैं उनके साथ। जी एक आपका टीवी में सीरियल आता है जिसमें आपने रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी, रिपोर्टर जी सुराग सुराग, था इंस्पेक्टर भारत। हाँ, जी सुराग सुराग। उसमें, और इसके अलावा आपका लोहा सिंह, ये दो ऐसे आपके जो थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। लोहा सिंह को लोग आज भी याद करते हैं, और सुराग में जो आपका कैरेक्टर था उसको भी लोग याद करते हैं। दो अलग अलग शेड्स के आपके ये दोनों कैरेक्टर थे। कितना डिफिकल्ट होता है जब आपके शेड्स ऐसे चेंज होते रहते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद देम? आपकी जब मूवी आई थी वंश, तो आपका जो कैरेक्टर था एक एंग्री यंग मैन का था, जो अपने अंदर के इमोशंस को अपनी फाइट के थ्रू, मारपीट के थ्रू निकालता था, बोलता कम था। तो आपके उस कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट किया गया, और ये कहा गया कि मतलब अमिताभ बच्चन की इमेज को, मतलब कंपैरिजन हो गया था एक तरह से उस वक्त। यू सी, शेर और बिल्ली, अगर आप दोनों कैट फैमिली हैं, शेर को और बिल्ली को रख दो और बोलो कि, बिल्ली को बोले तू शेर को बीट करके दिखाओ, बिल्ली कर पाएगी? हाउ डू यू फील तो आपका? आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड दैट आप मुझे अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर कर रही हैं। अमिताभ बच्चन पूरी इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन है, जी पूरी इंडस्ट्री बच्चनाइज्ड है। तो कहीं ना कहीं हम, गंगा तो ऊपर से शुरू होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे ही होंगे। अमिताभ बच्चन वो टाइगर है और ये सब बिल्लियां हैं, ये सारे एक्टर बाकी बिल्लियां हैं। पैसे कमाने से आदमी बड़ा नहीं होता, मैं कर्मों की बात कर रहा हूं, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, डेप्थ की बात कर रहा हूं। जी तो चूंकि मैं, हम सब अमिताभ बच्चन के वंशज हैं, तो चूंकि हम अमिताभ हम बचनाइज्ड हैं। तो चलिए, हमें यही उम्मीद है कि विश्वास राव दगलू पाटिल का ये कैरेक्टर, जिस तरह से अभी तक सुदेश बेरी के सारे कैरेक्टर्स लोगों के दिलों में उतरे हैं, विश्वास का ये विश्वास भी उतरे और लोगों का विश्वास इसमें और पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। यहाँ पे रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।